2,000 subscribers. That's what putting up a song requires. What's that you say? You don't believe me? I'll show it to all of you tonight. हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आज आप लोगों को हमारे थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम लोग क्लास 10 का पढ़ेंगे बुक, वो भी न्यू बुक जो हमारे पास इतने एनसीईआरटी बुक है। हमने जैसे कि यहाँ पर लिख भी दिया है कि जो हमारी बुक जो अभी पढ़ाई करने हम लोग जा रहे हैं वो किस पैटर्न की बुक है, तो न्यू हमारी एनसीईआरटी बुक है जिसमें हमारे चैनल पे पढ़ाई हो रही है, इसलिए मैंने अपने लक्ष्य शूटर्स चैनल का नाम लिख लिया है। ठीक है, आप लोगों को मैं एक आशा विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो चैप्टर हमारा होगा 15 टू 20 मिनट के बीच में रहेगा, और ये जो चैप्टर हम लोग का वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें सिर्फ ओनली फॉर एग्जाम रिव्यू से, मतलब जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी से, एग्जाम से बाहर की बात कोई भी नहीं ली गई है। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे वीडियोज को जितने भी कंटेंट रहेंगे सबको देख कर जाइएगा, आपका एग्जाम में 400 प्लस नंबर आएगा, ये 100% में सियोरिटी करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने से, मतलब कह सकते हैं ऐसे तो क्लास करते थे, ये नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अपने से नंबर लाया है, लेकिन फिर भी हमने खुद 400 प्लस स्कोर किया हुआ है। इसलिए मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज को देखें, क्योंकि मैंने अपने जो नोट्स होती है नोट्स में एजेटिव लिखा है, अपने नोट्स का मैंने यहाँ पे लिखकर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले दो लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं मोटिवेशन होने के लिए, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। खून में उबाल आज भी खानदानी है, खून में उबाल आज भी खानदानी है, दुनिया हमारे शौक की नहीं हमारी एटीट्यूड की दीवानी है। आप लोग बड़ा एटीट्यूड दिखाते हो ना, अभी छोटे हो क्लास 10th के बच्चे लोग बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, इसलिए मैंने उनको एटीट्यूड के बारे में बता दिया। चलिए हम लोग को क्लास आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्लास का पहला दिन है, और साथ ही साथ में मैं अपने कह सकते हैं कि जो बैनर है उसमें ये भी लगाया हुआ है कि अक्टूबर महीने से पढ़कर, यानी हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़कर आप 90% स्कोर कर सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड के छात्र क्यों ना हो। आज का जो चैप्टर हमारा है चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, अर्थात कह सकते हैं कि यूरोप में जो हमारे राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का जो उदय हुआ था, राइजिंग हुआ था, उसके बारे में पढ़ना। हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। अब आता है राष्ट्रवाद कहते किसको है, या फिर राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रेम, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा या तो आप लोग इसको एजेटिव अपने बुक नोट पे उतार लें, नोटबुक पे उतार लें, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट करके आप हमसे वीडियो प्राप्त कर लें। ठीक है, आपको जो भी सुविधा मिल प्राप्त हो करनी हो वो कर सकते हैं। अब मतलब या तो आप एजेटिव लिखें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करें, या फिर कर सकते हैं अवेलेबल हो। आगे चलो, इसको फिर से मैंने कहा कि एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि राष्ट्रवाद कहलाता क्या है, तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा यानी जो हमारा प्रेम है, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियमों आदर्शों को बनाए रखना हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है, ये हमारी होती है राष्ट्रवाद। अगली कड़ी में अगर आते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि राष्ट्र क्या है, यानी एक नेशन क्या होता है, नेशन को कैसे समझा जाता है, आखिर मतलब नेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए नेशन के बारे में अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग बात कही थी, लेकिन हमारी जो बुक में एक अर्नेस्ट रेनर की बात हुई है, तो अर्नेस्ट रेनर ने कहा था कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा समान नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं, अर्थात जो अर्नेस्ट रेनर थे उनके अनुसार राष्ट्र किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जहाँ पे एक नस्ल के लोग रहते हैं, जहाँ पे एक धर्म के लोग रहते हैं, वैसे को हम लोग राष्ट्र कहते हैं। अब आपसे एक प्रश्न मेरा है कि क्या भारत राष्ट्र है, क्योंकि मैंने आपको अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनर बताना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप दूसरे विज्ञानी जो विद्वान लोग थे उनके अनुसार बताए, ऐसा मैंने नहीं कहा, आपको ये बताना है कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार हमने कहा कि समान भाषा यानी समान लैंग्वेज
उसके बाद समान नस्ल यानी समान कह सकते हैं कि रंग रूप, जैसे कि हो सकता है एक एरिया में काले लोग रहते हैं तो काले, गोरे लोग रहते हैं तो गोरे। फिर कह रहे हैं कि समान धर्म यानी रिलीजन, जिसको कहते हैं अगर हिंदू हो तो हिंदू रहे, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहे, ऐसे को कह रहे हैं कि ऐसे क्षेत्र को यानी अर्थात ऐसे एरियाज को हम लोग राष्ट्र कहते हैं। अब आप लोग से मेरा प्रश्न है, उस प्रश्न को मेरे कमेंट में पिन जरूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे की कड़ी में अगर चले तो यहाँ पे मैंने लिखा है नारीवाद। नारीवाद किसे कहते हैं या फिर नारीवाद कहलाता क्या है? तो स्त्री पुरुषों की सामाजिक, अब सामाजिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सामाजिक का मतलब होता है सोशल, आर्थिक एवं राजनीतिक के आधार पर महिलाओं का अधिकार नारीवाद कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नारीवाद किसे कहते हैं, तो स्त्री पुरुषों के सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स एवं राजनीतिक यानी पॉलिटिकल्स के आधार पर यानी बेसिस पर महिलाओं का जो अधिकार होता है, जो राइट्स होता है, वही नारीवाद कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि नारीवाद की स्थापना किसने की थी, यानी हु इज अ फाउंडर ऑफ कह सकते हैं फेमिनिज्म, मतलब नारीवाद की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आपका होगा लुइने ऑटो पीटर्स ने की थी, मतलब नारीवाद की स्थापना लुइने ऑटो पीटर्स ने की थी। अब एक चीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एज एट इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका बीएसपी बोर्ड होता है वो आपसे ऐसा मतलब कह सकते हैं कि व्याख्या करने के लिए बोलता है। मैंने किसी एक पार्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाया है, इसमें आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हों या फिर बिहार बोर्ड के हों या फिर एनी अदर स्टेट बोर्ड के हों, आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, बशर्ते उस स्कूल में या फिर मतलब कह सकते उस विद्यालय में एनसीईआरटी बुक चलनी चाहिए। आगे आगे अब आता है हमारे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, यानी जो हमारे फ्रांस रेवोल्यूशन थे उनके बारे में आता है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1709 ईस्वी में हुई थी। आपको याद रखना भी जरूरी है क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा पूछा जाता है कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन यानी कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति कब चालू हुई थी, 1709 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांसीसी क्रांति में सभी लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र कर दिया जाए। अब सबसे पहला तो जानो कि राजतंत्र क्या होता है और प्रजातंत्र क्या होता है, इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। अगर ये दोनों आप समझ गए तो हमें आशा है कि आप लोग लगभग इस पॉइंट को भी समझ जाएंगे। सॉरी, राजतंत्र का मतलब होता है जहां पे राजा का राज्य चलता है, अर्थात राजा का राज्य चलने का मतलब तात्पर्य क्या है? राजा का राज्य करने का मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कोई एक राजा है, उसका बेटा राजा फिर बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा, मतलब ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र को अगर आप डिफाइन करेंगे तो राजा का जहां पे शासन चलता है उसी को राजतंत्र कहा जाता है। अगली कड़ी में प्रजातंत्र क्या होती है, तो जहां पे प्रजा राज्य करती है उसको हम लोग प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो फिलहाल हमारे भारत में चलता है वो प्रजातंत्र के चलता है। प्रजातंत्र को आप चाहे तो इंग्लिश में इसी को डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। और डेमोक्रेसी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रजातंत्र, या फिर प्रजातंत्र को कह लीजिए लोकतंत्र। तो जहाँ पे लोग खुद चुनाव करते हैं, चुनकर अपने रिप्रेजेंटेटिव या फिर अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, उनको हम लोग प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं। यानी सबसे अच्छा बात है, सबसे मुख्य बात है कि यहाँ पे लोग खुद शासन करेंगे। और अगर आप लोग एक विधायक को चुनते हैं, विधायक जो होते हैं आपके एरिया में जो विधायक होते हैं, इनको छोड़ दीजिए, सांसद होते हैं, सांसद जो होते हैं इनको आप लोग चुनते हो, तो चुन कर जो भेजते हो वो आपके प्रतिनिधि होते हैं। मतलब जब आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर यहाँ पे भेजेंगे तो वो आपका प्रजातंत्र या फिर दूसरे लैंग्वेज में लोकतंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का जो अधिकार होता है, जो राजा आपके ऊपर शासन करता है। तो एक और चीज होता है, देखिए प्रजातंत्र कभी निरंकुशवाद नहीं हो सकते, लेकिन जो राजतंत्र है वो निरंकुशवाद हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे आप लोग इसी चैप्टर में देखेंगे कि आखिर जो प्रजा जो राजतंत्र है वो कैसे निरंकुशवाद हो जाता है। निरंकुशवाद होने का मतलब ये हो जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए मैं राजा बन गया, मैं जान गया कि मेरा ही शासन चलने वाला है, तो मैं प्रजा को कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब सता सकता हूँ, मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
लेकिन प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को पता है कि हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल के बाद अगर जनता चाहे तो हमें लात मार के निकाल सकती है, यानी मतलब हमें लात मार कर गिरा सकती है। यही मेरा कहने का मतलब था। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। क्लास 10 में पढ़ते हैं, थोड़ा सिक्योर होकर पढ़िएगा। और ये भी हमारा अक्टूबर महीना अब चलने वाला है, इसलिए मैंने बैच को भी स्टार्ट कर दिया। अभी मैं अपने YouTube चैनल पे वैसे कोई और अपडेट न डालूं, लेकिन इसमें का अपडेट डेली डालता रहूंगा, ठीक है। आगे आ सके। अब फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ये भी उनकी मांग थी। किनकी मांग थी? तो जो फ्रांसीसी रेवोल्यूशन में लिप्त थे, संलग्न थे, अर्थात कहने का मतलब है कि जो इसकी मांग कर रहे थे कि नहीं भाई फ्रांसीसी क्रांति होनी चाहिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंच भाषा है, फ्रांसीसी का जो भाषा है, उसको राष्ट्रभाषा बना दो, मतलब वहां की भाषा बना दो। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो आखिर क्या हो सकता है, मतलब कुछ फेरबदल हो जाएगा? फेरबदल नहीं होगा, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे देखिए हमारे यहाँ भारत में हिंदी है तो हिंदी को जनरली लैंग्वेज माना जाता है, लेकिन अगर कार्यवाहिक रूप से देखा जाए तो हम लोग इंग्लिश मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिंदी राजभाषा है, आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है। कुछ लोग ये जानते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राज्यभाषा है, मतलब सिर्फ कह सकते हैं कि आप राजभाषा है, क्योंकि आप काम चला सकते हैं, कहीं भी ऑफिशियल चीज में हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन आप हिंदी में कह सकते हैं कि कोई ऑफिशियल वर्क कर नहीं सकते, इसलिए आप लोग को इंग्लिश भी जानना जरूरी है। क्योंकि कारण ये होता है कि जब सबसे पहली बैठक हुई थी कि हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा घोषित कर दे, तो उसमें ये देखा गया था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कह सकते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन सबसे अधिक तादाद उसमें इंग्लिश की आई, इसलिए इंग्लिश को ही हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी इंग्लिश और भोजपुरी संविधान से थोड़ा हटकर है, मतलब भोजपुरी हम लोग बोलते बेशक है, लेकिन संविधान में हमारा दिया गया नहीं है। जैसे जिस भाषा जिसमें भाषा का प्रयोग की बात की गई है उसमें भोजपुरी हम लोग बोलते बेशक है, जैसे का खाना खा लो वो ऐसा बोला जाता है, तो उसकी बात हम लोग संविधान में नहीं की है। आगे स्कूल और छात्रों के लिए एक क्लब की स्थापना किया गया, जिसका नाम था जय कबीर क्लब, मतलब स्कूल और कह सकते हैं वहां के छात्रों के लिए, स्टूडेंटों के लिए एक क्लब की स्थापना की गई, जिस क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब। अगला कड़ी बनाते हैं, अगला कड़ी हमने लिखा हुआ है नेपोलियन का शासन, यानी नेपोलियन जो था वो कैसा शासन किया, क्या अच्छा शासन किया था या खराब, उसके बारे में देखिए। सबसे तो पहली बात है कि जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाया तो प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया। ध्यान देना, यही पे बात हुआ था कि सब लोग की मांग क्या थी कि राजतंत्र को हटा दो और प्रजातंत्र स्थापित कर दो, लेकिन जब नेपोलियन फिर से राजा बनता है तो प्रजातंत्र को हटा देता है और राजतंत्र फिर से स्थापित कर देता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि कानून को सबके लिए क्या रखता है, बराबर रखता है, कानून सबको बराबर रखा। कानूनन मतलब, कानूनन कहने का मतलब कि अगर आप लड़के हैं, आप भी किसी को मारते हैं तो आपको उतनी ही सजा दी जाएगी। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जाति के हो, आप अगर किसी से दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको भी वही सजा दी जाएगी। ये होता है कानून के सामने बराबर देना, ठीक है। फिर आता है संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, जो इन लोगों की प्रॉपर्टीज थी उनको उसने सुरक्षित बना दिया, मतलब सेफ्टी प्रदान कर दिया। फिर आया कि भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाया, मतलब शुल्क क्या होता है, तो शुल्क एक तरह का टैक्स होता है, टैक्स यहाँ पे कर लीजिए, ये टैक्स होता है, और टैक्स वो भी होता है, जैसे मैं आपको बता दूं रेवेन्यू टैक्स। अब देखिए, जैसे आप लोग खेत वगैरह के अगर देखते होंगे तो रसीद कटता होगा, तो वो जो रसीद कटता है ठीक वही पहले के जमाने में वो शुल्क था, ठीक है। अब इससे मुक्ति उसने दिला दिया, सभी वर्गों को समान रखा, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कह सकते हैं आप किसी भी वर्ग से आते हो, ऐसे वर्ग तो चार ही होते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, यही मतलब चार वर्ण होते हैं। ऊपर नीचे मैंने बोल दिया, इसको सिक्वेंस में कर लीजिएगा, पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य और चौथा होता है शूद्र, यही चार वर्ग होते हैं। उसने चारों वर्गों को क्या किया, एक समान कैटेगरी में रख दिया। फिर अगले कड़ी में अगर चलते हैं तो यहाँ पे इटली का एकीकरण, यानी यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण में
19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा था, या फिर इसको कह सकते हैं कि 7 राज्यों में विभाजित था। अगली क्या है, तो 1830 ईस्वी के दशक में जोसेफ मेजनीन ने गणतंत्र के रूप में इटली के एकीकरण के लिए प्रयास प्रारंभ किया। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में, अगर एमसीक्यू में आता है कि सबसे पहले जो इटली था उसके यूनिफिकेशन में अर्थात एकीकरण में सबसे पहला हाथ डालने वाला कौन व्यक्ति था, तो जोसेफ मेजनीन था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पे दिया है मेजनीन का वो, अब ये मत याद करना कि सर मेजनीन कहाँ से आ गया, यही मेजनीन है जिनको कि पूरा नाम जोसेफ मेजनीन था, हमने वहां से हटा लिया। काबूल एवं गैरिबाल्डी ने मिलकर इटली का एकीकरण को संभव बनाया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और हम लोग आते हैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तब तक के लिए एक मिनट रुके रहिए। तो यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने जान लिया कि जो हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देख रहे थे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखे हमने कि 1863 में इमैनुअल द्वितीयों को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। आपसे प्रश्न ये आता है कि 1863 में जो एकीकृत जर्मनी था उसके राजा को उसके राजा का क्या नाम हुआ, मतलब जब एकीकृत हो गया तब की बात करा, तो यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा इमैनुअल द्वितीय। ठीक है, अब अगर मैं आगे बात करूं तो 1865 में ऑटोमन बिस्मार्क प्रशासक सॉरी यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण आता है। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण आता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1862 में ऑटोमन बिस्मार्क प्रशासक का क्या बनता है, चांसलर बना। अब चांसलर का मतलब होता है जैसे कि कौन सकते उस टाइम में शासन करने वाला ही मान लीजिए। अब 1862 में जब ऑटोमन बिस्मार्क प्रशासक का चांसलर बना तो इसने रक्त और लोग की नीति अपनाया। रक्त और लोह का मतलब क्या होता है ये भी जान लो, रक्त का मतलब होता है खून और लोह का मतलब होता है लोहा, मतलब लोहे जैसा खून रखो, मतलब कर सकते हैं कि बार काट वाली नीति उसने अपना ली। उसके बाद आया 18 जनवरी 1871 में वर्साय के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। मतलब है कि 18 जनवरी इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू में पूछ लेता है कि 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में किस राजा को घोषित किया गया कि यही अब इटली के कह सकते हैं जर्मनी के सम्राट होंगे, तो विलियम प्रथम थे। ठीक है, यहाँ पे नाम है राजा विलियम प्रथम। उसके बाद आपसे अब चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त, तो आपसे कुछ प्रश्न भी पूछ लिया जाए जो ओरल टाइप के हो। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है बिस्मार्क कौन था, इनके सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो बिस्मार्क एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसका सबसे बड़ी उपलब्धि जर्मनी का एकीकरण था, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी था। अगला अगर कहें तो निरंकुशवाद क्या है, या फिर निरंकुशवाद किसे कहते हैं, तो निरंकुशवाद किसे कहते हैं, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का, या फिर कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मतलब उसने कोई भी अंकुश कसा नहीं है, निरंकुश है, तो नहीं होता है, जो अत्यंत कठोर एवं दमनकारी होता है इन्हें निरंकुशवाद कहते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि निरंकुशवाद वैसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जो कठोर होती है, जो दमनकारी होती है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न आता है कि बेल्जियम किसके अधीन था। बेल्जियम जो था, अगर अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल में राजनीति विज्ञान में जिसमें चैप्टर वन है जहां पे बेल्जियम की बात की गई है, बेल्जियम की चर्चा है जो कि ब्रुसेल्स की राजधानी है, तो ये किसके अधीन था यहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं बुलाऊ, ऑस्ट्रिया बुलाऊ, याद रखिएगा। अब चौथा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है कि नेपोलियन संहिता से क्या आशय है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको मेरे कमेंट के पिन में डालना है। ठीक है, और जिसका भी प्रश्न का उत्तर सही होगा उसके आंसर पे मैं ऐसे स्टार्टिंग कर दूंगा, आप लोग समझ जाइएगा आंसर सही है, और जिसका आंसर सही नहीं होगा उस पे मैं पुनः दोबारा उसको क्या करूंगा, रिपीट कर दूंगा, मतलब टाइपिंग करके उसको रिप्लाई सेंड कर दूंगा। मुझे आशा है आज का चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा मतलब इसको पसंद किए होंगे। तो मेरा आपसे 3 रिक्वेस्ट रहेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और मेरे वीडियोस को एक लाइक जरूर प्रदान करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।